हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने अपने बेबी का 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसमें मैंने डेकोरेशन किया था, जो उसकी ये वीडियो है। ये मैं आज आपको इसमें दिखाऊंगी कि मैंने उसके बर्थडे के लिए कॉलम्स कैसे बनाए थे। तो आप इसमें वीडियो में एक एक स्टेप देख लीजिएगा कि कॉलम्स कैसे बनाए थे इसको। उसके बाद आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं घर में। बलून्स को फुलाते टाइम आप एक बार ये ध्यान दीजिएगा कि बलून्स का जो साइज है वो लगभग सेम रखिएगा, अदरवाइज़ आपका कॉलम गिरता रहेगा। ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरीके से चार चार का बंच आप तैयार कर लीजिए। जब आपके ये बंच तैयार हो जाएंगे तो सबसे नीचे आपको इसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी हैवी थिंग रखनी है। आप एक गुब्बारे में पानी भर के भी नीचे रख सकते हैं धागे में लपेट के। उसके बाद इसको इस तरीके से आप घुमा घुमा के इसके एक के ऊपर एक जो बलून्स का बंच है वो आप रखते जाइएगा। जैसे कि मैं वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको मैं टाइट कर रही हूँ ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। एक के ऊपर एक जब आप रखें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसको छोड़िएगा नहीं तो ये इधर से उधर गिरता ही रहता है। लॉकडाउन की वजह से मुझे और बलून्स नहीं मिले, तो मेरे पास ये ब्लैक एंड रेड बलून्स पड़े हुए थे, तो मैंने इसको मिक्की का लुक दे दिया था। आप एक बड़ा बलून फुलाइए और उसके रेड कलर का छोटा सा फुला के आप इस तरीके से उसके कान बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बनाया है। ये देखिए मेरा पूरा एक कॉलम रेडी हो गया। इसी तरीके मैं एक दूसरा कॉलम रेडी कर लूँगी। और अगर ये मैंने बना लिया है तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपके घर में छोटी सी पार्टी हो तो उसमें डेकोर के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मैं कुछ भी अपनी बेबी के लिए नया सीखूँ डेकोरेशन से रिलेटेड या फ़ोटोशूट से रिलेटेड, तो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।